आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो खुलेआम धमकी देता था, एक ऐसे आदमी की जो मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था, एक ऐसे आदमी की जिसके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाने आते थे। इनका नाम था बाला साहेब ठाकरे। लेकिन बाल ठाकरे का बचपन का नाम बाल केशव ठाकरे था, जो समय के साथ साथ बाला साहेब ठाकरे बन गया। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। इनका बिना देखे भाषण देना लोगों को इतना भाता था कि इनका भाषण सुनने लाखों की भीड़ जमा हुआ करती थी। बाल ठाकरे एक मशहूर क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट थे। 1950 के दशक में टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इनके ही कार्टून छपा करते थे। 10 साल ये काम करने के बाद 1960 में उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया था। बाल ठाकरे चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन थे। इनके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाया करते थे। बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में 19 जून 1966 को नारियल फोड़कर शिवसेना पार्टी बनाई थी। बाल ठाकरे ने 1980 के आसपास मुसलमानों के बारे में कहा था कि ये कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं, देश को इनसे बचाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में बिहारियों के खिलाफ 1960 और 1970 के दशक में लुंगी हटाओ पुंगी बचाओ अभियान चलाया गया था। बाल ठाकरे ने अपने समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर भी लिखा था कि एक बिहारी 100 बीमारी। बाल ठाकरे कभी भी किसी से मिलने नहीं जाते थे, जिसको उनसे मिलना होता था वो खुद उनके घर आता था। भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां बियर पीने और उनसे मिलने उनके घर आती थी। बाल ठाकरे अपने भाषणों में हिटलर और श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे की खूब तारीफ किया करते थे। बाल ठाकरे ने अपनी मौत से 2 महीने पहले कहा था कि आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। बाल ठाकरे को सिगार, व्हाइट वाइन इत्यादि पीने का शौक था। 1995 में बाल ठाकरे को दिल का दौरा आया था, जिसके बाद उन्होंने पाइप पीनी छोड़ दी थी। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, जिसके बाद जब बाल ठाकरे से आपकी अदालत शो में पूछा गया क्या ये काम शिव सैनिकों ने किया है, तो उनका ये कहना था कि यदि ये काम शिव सैनिकों ने किया है तो ये गर्व की बात है। 1990 के करीब जब आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा बंद करने की धमकी देते हुए कहा था कि जो अमरनाथ जाएगा वो वापस नहीं आएगा, तब बाल ठाकरे ने अपने बयान में कहा था कि हज जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से जाती है, देखते हैं कि यहाँ से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है। इससे अगले दिन से ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। मरने के बाद बाल ठाकरे को 21 तोपों की सलामी दी गई थी, जबकि वो ना तो मुख्यमंत्री थे और ना ही सांसद, ऐसा रुतबा था बाल ठाकरे का। 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया था। इस दिन मुंबई बंद था।